उधर दिल्ली में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने वोट मांगे हैं। मॉडल टाउन में पहुंचे थे उपेंद्र तिवारी, जहां पर वो लोगों से, जनता से वोटों की अपील करते दिखे। बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के चुनाव कार्यालय पर चर्चा की गई, पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई। कपिल मिश्रा के लिए उपेंद्र तिवारी ने वोट देने की अपील की। कपिल मिश्रा पर तो 48 घंटे का बैन है, लेकिन कपिल मिश्रा की बजाय मंत्री उपेंद्र तिवारी उनके समर्थन में वोट मांगते नजर आए। मॉडल विधानसभा पहुंचे हुए थे उपेंद्र तिवारी और वहां पर वो जनता से रूबरू होते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील करते दिखे। दिल्ली के मॉडल विधानसभा में पहुंचे हुए थे मंत्री उपेंद्र तिवारी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा खड़े हुए हैं, लेकिन कपिल मिश्रा के उस विवादित ट्वीट की वजह से वो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई वो दिल्ली के दंगल में ले आए थे, उसके मद्देनजर 48 घंटे का उन पर बैन लगा दिया गया, यानी कि अगले 48 घंटे तक वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इसी के तहत कपिल मिश्रा तो नहीं, लेकिन मंत्री उपेंद्र तिवारी उनके बिहाफ पर वहां जनता के बीच पहुंचे और कपिल मिश्रा को वोट देने की अपील करते नजर आए।